हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स में से सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है वो इस वीडियो में मिलने वाला है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आपको यूज़ कौन से करने चाहिए वो भी बताऊँगा, और हमारे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कौन से आप यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। चैनल पर नए होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है। आपको पता ही होगा तो भी मैं एक बार बता देता हूँ। फर्टिलाइजर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अब हम सॉइल में ऐड करते हैं सॉइल को ऊपर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए हम फर्टिलाइजर्स प्लांट में ऐड करते रहते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाए और टाइम टू टाइम उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड होते रहें। इसमें अब दो प्रकार के होते हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक। तो हमारा केमिकल जो होता है उसे हम केमिकल फर्टिलाइजर, और ये जो रहेगा हमारा मैन्यूअर कंपोस्ट वगैरह में उसमें आएंगे हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब सबसे पहले हम मैन्यूअर की बात करते हैं। तो जो हमारा मैन्यूअर होता है वो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं, जैसे ड्राई लीव्स वगैरह, हमारे घर का जो सब्जियों का कचरा वगैरह बचता है उसे डिकम्पोज करके हम बनाते हैं, उसे हम फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट कहते हैं। तो वो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं हम। और अब फर्टिलाइजर जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर होता है उसमें डिफरेंस ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होती है जो हम सॉल्ट जब भी ऐड करते हैं तो उसके जल्दी फास्टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, हमको जल्दी रिजल्ट भी मिलते हैं और वो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम NPK भी सॉइल में बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स धीरे काम करते हैं मिट्टी में। इसके अपोजिट केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बहुत ही बहुत जल्दी करते हैं ये, और सॉइल में फटाफट से ये न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। और अब तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में से कैसे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, वो मिट्टी को लूज भी करता है, बहुत अच्छे उसमें पदार्थ होते हैं। पर अगर उसके साइड में अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस बिल्कुल नहीं रहता है और वो मिट्टी को कड़क भी करता है और मिट्टी के जो वाटर कैपेसिटी होती है होल्डिंग उसको भी कम कर देता है। तो ये केमिकल का इसका डिसएडवांटेज है। और उसी के जगह पे इस पर कंपोस्ट में देखें हम तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उसके बाद ह्यूमस भी रहता है उसमें, भुरभुरी बनाते हैं मिट्टी को और प्लांट्स की बहुत ओवरऑल ग्रोथ रहते हैं। वो स्लोली रिलीज जरूर होते हैं पर बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारे इसमें देखते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा रीच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और अगर हम अपना जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देखें उसमें न्यूट्रिएंट्स उसके ज़्यादा कम होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स पूरे कवर नहीं होते इसमें, ऑर्गेनिक पे कम रहते हैं। और जो हमारे ये इनऑर्गेनिक मतलब हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंपोस्ट वगैरह हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और उसका पीएच लेवल भी अच्छे से ये मेंटेन करते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट वो मिट्टी का पीएच भी बिगाड़ देते हैं थोड़ा, और मिट्टी को हार्ड भी कर देते हैं और मिट्टी हमारी थोड़ी ख़राब भी करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसमें आपको दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए फर्टिलाइजर, हमारा केमिकल कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक करते हैं आप तो आपकी मिट्टी भी अच्छी बनती है, पर इसका भी एक लॉस है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। वैसे दोनों ही अच्छे हैं, बेस्ट है दोनों भी, पर अगर आप मेरी राय जाने तो मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करता हूँ। ये जो दिख रहा है ये आपको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है बिल्कुल, ये हमारी एप्सम सॉल्ट है, देखिए मैग्नीशियम नहीं, इसलिए आपको दिखाने के लिए भी मेरे पास केमिकल फर्टिलाइजर ही नहीं है। तो ये हमारा एप्सम सॉल्ट है और ये, तो अब मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ केमिकल फर्टिलाइजर्स में। इसके NPK ले सकते हैं आप, उसमें यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर में बहुत से मिल जाते हैं आपको, एक स्टिक्स भी मिलते हैं वो जो आप डायरेक्ट प्लांट में लगा सकते हैं, गोलियां भी मिलते हैं उसके, वो भी आप कैप्सूल्स डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक में आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑर्गेनिक में ये है ज़ाइम फर्टिलाइजर, ये बहुत अच्छा है, ये रिवर के पास से हमें मिलता है, ये बहुत ज़्यादा ही इसमें रहता है, देखिए आप देख भी सकते हैं ह्यूमिक एसिड है इसमें, कितना फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है इसमें, प्रोटीन भी है और बहुत कुछ है, सीविड एक्सट्रैक्ट भी है। तो ये बहुत बेस्ट फर्टिलाइजर है ज़ाइम फर्टिलाइजर। अगर आपको लिंक चाहिए होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। ज़ाइम फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और अब हम दूसरा फर्टिलाइजर देखते हैं ऑर्गेनिक में, वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट बहुत बेस्ट सल्फ आपके लिए, मैग्नीशियम प्लांट को प्रोवाइड करता है,
फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत इंप्रूव करता है। मैग्नीशियम भी आपके प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। उसके बाद हमारा आता है मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग को इंक्रीज करता है और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो। और कंपोस्ट और काउडन कंपोस्ट तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स है। आप इनको एक तरह से अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसा एक हैक है कि हम उसे भी ऑर्गेनिक की तरह ही, हम केमिकल की तरह ही ऑर्गेनिक को भी अच्छी तरह से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी जो भी गोबर खाद नहीं तो हमारा कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो नाइट्रोजन के ऐसे फर्टिलाइजर्स लीजिए ऑर्गेनिक जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हो, वो प्लांट को प्रोवाइड करना है। उसके 15 डेज बाद आपको फॉस्फोरस पोटेशियम का डालना है। तो फॉस्फोरस पोटेशियम में आपका जाइम फर्टिलाइजर आ जाता है, वो डाल सकते हैं, बेस्ट है ये। फिर आपको डाल देना है, मतलब हमारा नाइट्रोजन पोटेशियम भी चला जाता है और मैग्नीशियम भी आप ले सकते हैं। एप्सन सॉल्ट भी डाल देना है आपको 8 दिन बाद, उसके एक हफ्ते बाद। मैग्नीशियम सल्फेट डालने के बाद मैग्नीशियम से प्लांट की ग्रोथ हेल्दी होंगी, वो ग्रीन बन जाएंगे। तो फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर जब उन्हें बर्ड्स लग जाते हैं, मतलब फ्लावरिंग उनकी जैसी कलियां लगती है उन्हें, तो तब आपको फिर इसे यूज़ करना है। और फ्रूटिंग अगर प्लांट्स है, मतलब फ्रूटिंग नहीं तो वेजिटेबल्स के प्लांट, तो जैसे ही उसको फूल लगते तब आपको फिर इसे डालना है ताकि अच्छे से आपकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये भी आप ऑर्गेनिक तरह इस हैक को यूज़ करेंगे तो आप भी अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस तरह कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करता हूँ, देख भी सकते हैं आप, पूरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करता हूँ। और केमिकल फर्टिलाइजर का एक सबसे बड़ा नुकसान है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेंट भी करते हैं। इसमें पोल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, ये वाटर में भी छोड़ते हैं। देखिए जैसे अगर इनऑर्गेनिक आप यूज़ करते हैं तो भी फर्टिलाइजर्स बहुत हार्मफुल भी होते हैं हेल्थ के लिए हमारे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर दोस्तों आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं, वैसे बहुत से लोग ज़रूर करेंगे केमिकल यूज़ क्योंकि उससे फास्ट रिजल्ट्स आते हैं, तो केमिकल और ऑर्गेनिक आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। केमिकल फर्टिलाइजर्स आपने डाल दिया तो एक दोस्तों आप बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि केमिकल फर्टिलाइजर जब भी आप डालेंगे तो उसे कम मात्रा में डालना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है कि प्लांट को भी उससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है और उसकी मिट्टी भी बहुत ख़राब होती है। जैसे आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल दिया उसके 15 नहीं तो एक महीने बाद भी आप फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं ताकि मिट्टी उसकी अच्छी रहे और केमिकल फर्टिलाइजर से मिट्टी उसकी ख़राब ना हो। अगर आप सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर दें तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा आपके प्लांट थोड़े एक आध साल बाद ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कंबाइन करके यूज़ करना चाहिए। और अगर आप फुल्ली ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो भी बेस्ट है। ये जाइम फर्टिलाइजर, मस्टर्ड केक, अपना काउडंग कंपोस्ट, लीफमोर कंपोस्ट, एप्सन सॉल्ट, बहुत से ऑप्शन है और ऑर्गेनिक में, अगर ये सब यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट बहुत ग्रीन रहते हैं। तो बस आपको समझ ही गया होगा कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राइस का बहुत डिफरेंस रहता है। जो ऑर्गेनिक हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्राइस में बहुत कम होते हैं और हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आप देखेंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और ये इसका दोनों का एक और एक डिफरेंस। और अगर आपको दोस्तों इस पर डिटेल वीडियो देखना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे तो मैंने पहले भी बना चुका हूँ, आपको आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर डाल दूंगा। और दोस्तों एंड स्क्रीन जो होती है, जैसे हमारा वीडियो ख़त्म होता है उसमें जो सजेस्टेड में आपको हमारे स्क्रीन पे वीडियो देखता है वो उसमें भी आपको डाल दूंगा मैं। और इसके पहले भी बना चुका हूँ 6 फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक, वो बेस्ट फर्टिलाइजर्स है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों वेबसाइट देख सकते हैं बाय इंग्लिश हिंदी में, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और आपको जो वीडियोस बताए उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में तो या एंड स्क्रीन पे अब आ जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और गार्डनिंग के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है तो वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।